ओके महिमा, महिमा आप अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी, क्योंकि मुझे पता है आज कांग्रेस के खेमे में बहुत मंथन हो रहा होगा और पहले से प्लान दोनों बने होंगे कि अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं मिला तब क्या करेंगे और स्टे मिला तब क्या करेंगे। अब स्टे मिल गया, अब राहुल गांधी पार्लियामेंट लौट सकते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और उनका बंगला भी मिल जाएगा, एक तरह से काफी कुछ खोई हुई चीज उनके हाथ में वापस आ जाएगी। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी, राहुल का प्लान क्या होगा आगे? महिमा जय हिंद। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से, और न्याय का वो एक चिराग आज जला है। मानक जी, ये जो आज चिराग जला है ये सत्य का चिराग है, ये न्याय का चिराग है, और हमने सदैव एक ही बात कही है कि न्यायपालिका के अंदर, इस देश के तमाम सिस्टम्स के अंदर, तमाम संस्थाओं के अंदर हमारा पूरा विश्वास है, बावजूद इस बात के कि हमारे गृह मंत्री ऐसा बयान देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी मोदी जी के इशारे पर जो है वो फैसले लाते हैं, इस तरह के इशारे करते हैं, बावजूद उसके हमारा न्यायपालिका के अंदर पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है। और जो व्यक्ति करोड़ों हिंदुस्तानियों के घर के अंदर आशियाना रखता हो, उसे कोई ताकत एक घर से, एक बंगले से क्या निकालेगी। मानव जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए बहुत हास्यास्पद इसलिए लग रहा था क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, अभी अभी उन्होंने आखिरी बात जो कही उससे शुरुआत कर देती हूँ, फिर बाकी बातों पर आऊंगी। उन्होंने सदन की मर्यादा की बात की। जी हाँ, सदन के अंदर छाती पीट पीट कर एक अकेला सब पर भारी लोकतंत्र के अंदर कहना मर्यादा के विरुद्ध है, नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, सदन के अंदर रैली की तरह से, जैसे उनकी राजनीतिक रैली हो रही हो, ऐसा बर्ताव करना नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों को ये कहना कि आपके घर ईडी ना आ जाए, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा अभी भाजपा के यहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि ने, और याद रहे भाजपा के सभी प्रतिनिधियों को कि वे जन प्रतिनिधि हैं। जैसा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने इशारा किया कि ये हनन सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है, जो बात मैं आपके शो पे और तमाम चैनलों पर हमारी पार्टी लगातार कहती रही है, तमाम पटलों पर कहती रही है कि ये जो हनन हुआ है ये जनता के अधिकारों का, लाखों नागरिकों का, वायनाड के उनके अधिकार का हनन हुआ था, उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार का हनन हुआ था, तो अब उसकी बहाली की जाएगी और की जानी चाहिए यदि ये सरकार न्याय संगत है और डरी हुई नहीं है तो। क्योंकि राहुल गांधी जी का तो शुरुआत से एक ही संदेश रहा है मानव जी, और वो है डरो मत। वो बात करते हैं अभय मुद्रा की। अच्छा, एक सेकंड, देखिए जो कुछ उनके हाथ से गया था वो उनके पास वापस आया, मान लिया, लेकिन इसमें आपकी जीत कहां हुई, आपको फायदा कैसे हो जाएगा इसमें राजनीतिक तौर पर? भाई सांसद ही गई थी, लौट आएगी, बंगला गया था, लौट आएगा, 2 साल की सजा हुई थी उस पर स्टे ही तो हुआ है। के शर्मा कह रहे हैं जनता के बीच थोड़े उससे वो पॉपुलर हो जाएंगे अचानक। देखिए बिल्कुल वही तो बात हमने कही, जो हम तो वो बात दोहरा रहे हैं मानक जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि वो जनता वायनाड की जिन्होंने उनको चुना था, उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार का हनन हुआ था, तो वो अधिकार उस जनता को वापस मिला। हमारे फायदे या नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की आवाज तो संसद में थी या सड़क पर वो उतनी ही बुलंद थी, क्योंकि वो सत्य की आवाज है, क्योंकि वो असत्य को और अहिंसा को असत्य को ललकारने वाली और अहिंसा को पुरजोर करने वाली आवाज है। नहीं, महिमा मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, देखिए हम जो समझ पा रहे हैं विश्लेषकों की तरह, पत्रकारों की तरह, वो शायद अलग है, आपको शायद अंदर की जानकारी होगी, इसीलिए मैंने पूछा। दो राहे पर खड़ी है कांग्रेस 133 दिन से, 4.5 महीने से, आज जब कन्विक्शन पर स्टे हो गया, आपकी रणनीति क्या होगी आगे, इसे आप पॉलिटिकली आगे कैसे ले जाएंगे? हमारी रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है मानक जी, जो बात आज कही गई है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो सवालों की आंधी चलेगी। जिस सवालों की आंधी से बचने के लिए भाजपा ने इस तरह का ये जो हथकंडा था वो अपनाया था, वो आंधी वापस आ रही है। जब उन्होंने वो तस्वीर दिखाई थी ना संसद के अंदर, जिससे भाजपा घबरा गई थी और जिसके कारण ट्रेजरी बेंचेस ने ही संसद के सारे बिजनेस को जो है वो स्थगित कर दिया था, अब दोबारा से वो आवाज वहां लौट रही है। आपको याद होगा कि उनकी सदस्यता को बर्खास्त करने से पहले क्या हुआ था, उन्होंने बार बार नोटिस दिया वापस आने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं उत्तर देना चाहता हूँ आकर के कि मैंने क्या कहा है विदेश में जाकर के, लेकिन उनके बार बार गुहार लगाने के बावजूद, लिखित नोटिस देने के बावजूद, उसको अनुमति देना तो दूर की बात है, उसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं आया था संसद। अच्छा, के ओके मैं समझ गया, सवाल जारी रहेंगे, सरकार को घेरना जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल और, आपको स्टे मिल गया है महिमा,
लेकिन भूलिए मत, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी निर्दोष हैं, नसीहत दी है बाकायदा राहुल को, इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा कि बार बार जब हेट स्पीचेस की, भड़काऊ बयानों की बात हुई है संसद के अंदर, अभी दो दिन पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाली हियरिंग भी थी, सर्वोच्च न्यायालय तो हर बार ये कहता है और इस बार भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि यदि कहीं कोई चूक हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी उनका जो, देखिए न्याय संगत बात है, उनका कहना यह है कि यदि कोई ऐसी बात हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसको सभी पक्षों को देख करके चलना है। लेकिन आप खुद ही बता दीजिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, या फिर जो है जर्सी गाय, या जिस तरह के बयान शूर्पणखा जैसे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से आते रहे हैं, उन बयानों को देखा जाए और उनको आप ले जाएंगे अगर ओके ऑलराइट। मेरे साथ दो वकील हैं, जैसे मैंने पहले बताया, विकास गुप्ता और